मैं हूँ माया जायसवाल। माया जी, आपका एक सॉन्ग उदित नारायण जी के साथ आया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उदित सर ने मेरा सॉन्ग गाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लिरिक्स मैंने लिखे हैं। तरुण भल्ला सर हैं जो कंपोज़र हैं, काफ़ी टाइम पहले मुझे मिले थे। मैं कुछ ऐसे ही लिखती थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सॉन्ग भी लिख के दे सकती हो, तो मैं उसे कंपोज़ करूँगा और उसे रिकॉर्ड करते हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ, जस्ट मैंने सोचा चलो ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। मैंने कुछ लिखा, उन्हें पसंद आया, उन्होंने कंपोज़ किया और उदित सर को सुनाया। उन्हें भी बहुत पसंद आया और उदित सर ने मेरे लिरिक्स को अपनी सुरीली आवाज़ से सजाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। तो उदित सर की आवाज़ और आपके लिरिक्स कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, और जब आपको फर्स्ट टाइम उदित सर मिले और आपके लिरिक्स को उन्होंने यस किया तो आपके क्या रिएक्शन थे? उदित सर बहुत बहुत अच्छे हैं, मैं उनके बारे में सुनती थी पर मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उनका नेचर इतना अच्छा है ना, इतने फ्रेंडली है, मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रही हूँ। बहुत इतने ग्रेट पर्सन और इतना सिंपल है वो कि बस उन्हें मेरे गाने को, उन्होंने मेरे लिरिक्स को पसंद किया और गाया और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिसिएट किया। कोई कॉम्प्लीमेंट्री उनकी तरफ से? हाँ, उन्होंने कहा कि जब मैंने ये सॉन्ग लिरिक्स पढ़े तो मुझे लगा कि हाँ कोई बहुत बड़ी सी या ऐसी कुछ होगी, तुमसे मिला ऐसी छोटी सी चुलबुली सी लड़की और इतने मतलब हैवी वर्ड लिखे हैं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा सच में तुमने लिखा है। उनका ये कहना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो किस तरह के लिरिक्स थे, रोमांटिक थे जैसे या? हाँ, रोमांटिक थे, वर्ड मैं बोल पाऊँगी। तेरे प्यार का असर होने लगा है इस कदर, मैं खोई रहूँ तुझ में उम्र भर। वाह, ये उदित सर ने क्या क्या बोला आपको उनके गाने के बारे में और आगे लिखने के लिए बोला उन्होंने? हाँ, उन्हें बहुत पसंद आया और बोला कि नेक्स्ट तुम लिखोगी तो मैं ज़रूर गाऊँगा, उन्हें बहुत पसंद आया। तो आप शायद इसमें एक्ट करने वाली हैं इस गाने में? अभी तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, बट होगा तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। तो नेक्स्ट कोई आवाज़ और उदित सर के लिए लिख रही हैं आप गाना? हाँ, मैं लिख तो रही हूँ, नेक्स्ट अब देखते हैं। उदित सर से मुलाकात कैसी रही आपकी? जो कंपोज़र हैं तरुण भल्ला जी, वो उन्हें जानते हैं बहुत पहले से, तो स्टूडियो में ही सर आए और मुझे पता चल गया था पहले से कि उदित सर मेरे शब्दों को अपनी आवाज़ देने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड थी और उनसे जब मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय द वे, कांग्रेचुलेशन आपको, उदित सर का गाना आपने लिखा हुआ गाना उदित सर गा रहे हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपको, और आप हमेशा ऐसे ही लिखती रहें और ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। थैंक यू।